हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है शो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये शो कीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन में LHS लेके चलते हैं हम, LHS विच इज कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और इसे RHS के बराबर लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin θ होता है। ठीक है, तो जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin θ होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/sin²θ। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा है तो हम लिखेंगे सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos θ के बराबर होता है। ये दो आइडेंटिटीज हम लगाएंगे यहाँ पर, सेक थीटा की जगह हो जाएगा 1/cos²θ, 1/cos²θ। ठीक, और आगे सॉल्व करें, इसका और इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा sin²θ इंटू cos²θ। ठीक, इंटू में ऐसे ही लिख देंगे, एलसीएम हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो sin²θ को कैंसिल करेगा तो cos²θ ऊपर चला आएगा, 1 से इंटू होने के लिए 1 इंटू दिस cos²θ प्लस, इसी तरह से cos²θ को डिवाइड कर देगा तो sin²θ ऊपर हो जाएगा, 1 से इंटू sin²θ। और आगे सॉल्व करें तो 1 इंटू cos²θ, cos²θ ही रह जाएगा, 1 इंटू sin²θ मतलब sin²θ अपॉन ये आ गया sin²θ इंटू cos²θ। ठीक है, आगे करेंगे तो देखिए cos²θ प्लस sin²θ किसके बराबर होता है, sin²θ प्लस cos²θ इट इज़ इक्वल टू 1। यानी जहाँ sin²θ प्लस cos²θ दोनों प्लस हो रहे हो तो वो 1 के बराबर होता है, आइडेंटिटी है ये। ठीक है, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी लग गई। अब इस पूरे की जगह हम 1 रख सकते हैं तो जाएगा 1/sin²θ इंटू cos²θ। ठीक है, और आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ अगर मैं एक 1 लगा लूँ और इतने हिस्से को देखूँ तो 1/sin θ यहाँ पर था, 1/sin θ की जगह क्या रख सकते हैं, cos²θ लिख सकते हैं। जब हम cos²θ की जगह 1/sin θ लिख सकते हैं तो 1/sin θ की जगह वापस cos²θ लिख सकते हैं। तो इतनी जगह पर हो जाएगा cos²θ, तो 1/, यहाँ स्क्वायर में है ये, तो ये हो जाएगा cos²θ इंटू, इसी तरह से 1/, ये cos²θ, 1/cos θ को लिख सकते हैं, sec θ तो स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा सिर्फ sec²θ। और यही हमें प्रूव करना था, जो इसका ये देखिए RHS यही है। ठीक है, cos²θ इंटू sec²θ, cos²θ इंटू sec²θ, तो यहाँ आ गया LHS बराबर हो गया RHS के, और यही प्रूव करना था।